बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हिदायत रहमान होती इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के कन्वेंशन में, जहाँ पर ज़िली सतह पर और तहसील सतह पर इनके अहदेदारों की हलफ बरदारी हो रही है। मरकजी सदर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ज़िला मर्दान के सदर करीमुल्ला दूरू, जायद हुसैन और दीगर अहदेदार जो है वो अपने अहदे का हलफ उठाएंगे। इस कन्वेंशन का मकसद न सिर्फ पार्टी कारकुनों को पहल बनाना है बल्कि कल्चर और स्पोर्ट्स विंग के कारकुनों को भी फाल करवाना है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है उसको फालियत हो और वो मजीद मजबूत हो। अब हम चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स कल्चर विंग के ज़िली सदर करीम आमजद की तरफ और उनके साथ साथ इनके ख्याल जानेंगे। जी करीमुल्ला, मेरा ये मकसद है कि ये भाई आप सारे देख लें कि इनका हक की आवाज़ सही मानों में किसी ने कभी नहीं उठाई। वर्कर ही वर्कर का दुख समझ सकता है। हम इकट्ठे आवाज़ उठाएंगे, हम इसी ज़मीन से अपने वर्कर उठाएंगे और इसी आह्वान तक खुद पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। यही मकसद है इसका और खैर से हमारा ये भी मकसद है कि इसके इन सारे वर्करों का एक दफ्तर हो, यहाँ से ये ऑपरेट करें, इनके जो भी हल मसाइल हो वो हम खुद से हल करें इंशाल्लाह ताला। हमें किसी की ज़रूरत ना पड़े और जो मदद कर सकें उन्हें भी हम अपने कंधों पर खुद उठाएँ। जज़ा क्या समझते हैं कि ये कमीशन जो ये अब दूसरे तहसील भी जाएगा, वहाँ पे वर्करों को फाल बनाएगा? हमारा हम थे इमरान खान के पहले सिपाही, हम जब पैदा हुए तो उसकी जदोजहद शुरू हुई और हम जब बड़े हुए तो वो ऐवान में पहुंच गए, तो हमने उसके साथ पैदाइश से लेके हम कह सकते हैं कि फ़ख्र से कि हमने उसको ऐवान तक पहुंचाया है अपनी मेहनत से। और हम ये कह मैं ये कन्वेंशन इसलिए ऑर्गेनाइज़ की, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पांचों तहसील से दोस्त हैं और अब इंशाल्लाह हम हर तहसील में एक एक कन्वेंशन करेंगे और तहसील की सबसे बड़ा इंशाल्लाह जलसों से के सतह से भी बड़े बड़े कन्वेंशन हमारे तहसीलों में होंगे इंशाल्लाह। जी मरकजी कादीन इसमें कौन कौन आ रहे हैं और क्या क्या? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एमएनएज़ एमपीएज़ हैं, हमारे मोजस क्या कहते हैं जो प्रेसिडेंट हैं वो आ रहे हैं, जो विंग के हेड हैं शाहजमान आलम साहब, पेशावर रीजन का पूरा काबीना और हमारे एमएनए बीबी मर्दान के एमएनए शाहीन बीबी और इस तरह बाकी काफ़ी स्पोर्ट्स बोर्ड वगैरह काफ़ी और लोग हमारे पार्टी के मुअज्ज़ज़ मेहमान आ रहे हैं। जी करीमुल्ला तूरू ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायदे तहरीक इंसाफ ज़ियाउर रहमान खान के विजन के मुताबिक न सिर्फ इनके कारकुन फ़ाल हैं बल्कि इन कारकुनों को मजीद भी ज़िला भर में पार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत न सिर्फ आवाम को इंसाफ फराहम कर रही है बल्कि कारकुनों के जो मसाइल इनके हल के लिए भी इकदाम उठा रही है। तकरीब में रमजान के पाँच तहसीलों के अहदेदारों ने हलफ उठाया और इस किस्म का इजहार किया कि वो पार्टी की मजबूती और फालियत के लिए कायदे तहरीक इंसाफ इमरान खान के विजन का साथ देंगे और पार्टी को मजीद मजबूत बनाएंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के फाल अहदेदार जायद हुसैन एडवोकेट भी हमारे साथ है, इनसे जानना चाहेंगे इस कन्वेंशन के बारे में, तो चलते हैं जायद हुसैन की तरफ और उससे पूछ लेते हैं। ये इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर की मर्दान रूरल की हलफ बरदारी है, ये पाकिस्तान मेरे ख्याल में पाकिस्तान में और केपी में पहली तंजीम है इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर जो यूनियन सतह पर यूनियन सतह तक कंप्लीट हो गई है और उसकी आज हलफ बरदारी है। आज हमारे मरकजी प्रेसिडेंट जो है शाहजमान आलम साहब हलफ बरदारी तकरीब में आए हैं, हमारे मरकजी कायदीन आए हैं और रीजनल कायदीन भी आए हुए हैं सारे। हमने चूँकि ये पीटीआई की तंजीम है, हमने तमाम एमपीएज़ सेनेटर्स और सबको दावतनामे भेजे हैं। इस वक्त इमरान खान का नौजवान नहीं बल्कि एक बूढ़ा जवान हमारे साथ मौजूद है शफिकला, इनसे पूछ लेते हैं कि कन्वेंशन में इसकी शिरकत की इनकी क्या तासुरात? जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बातों का, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं ये जवान और बूढ़े की बात तो आपको मैं ये समझा देता हूँ कि जवान जो है वो सेहत से जवान होता है, बूढ़ा जब जवान होता है तो वो दिल से जवान होता है। मेरा दिल जवान है, मैं 96 से इमरान खान के साथ चला आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपको पता है कि किन किन लोगों को मैं लाया हूँ और वो फिर हमारे साथ ना रहे और अभी भी मैं उनके पीछे मेरा दिल रो रहा है कि वो लोग इधर होते तो अच्छा होता।
तो ये इमरान खान की पार्टी है और हम अभी तक इंशाल्लाह जवान हैं। जब तक दम है हम इमरान खान के लिए लड़ते रहेंगे, इमरान खान के लिए। और आज मुझे खुशी ये हुई है, आपने देखा कि ये किस कदर लोग आए हैं, ये जज्बा देखकर मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह 2023 भी इमरान खान का है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के मरकजी सदर हमारे साथ मौजूद है। आप ये बताएं, आज स्पोर्ट्स एंड कल्चर का कन्वेंशन हो रहा है तो जिरमरदान में पहले से इमरान खान के वर्कर माशाल्लाह मौजूद है और यहाँ पे पीटीआई ने 3 स्वीप किया है, तो इस वर्क कन्वेंशन के हवाले से आपके क्या एहसास हैं? पहले तो ये बता दूँ कि मैं भी खान का वर्कर ही हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रेजिडेंट हूँ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग का, पहले मैं वर्कर ही हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों को कोविड की वजह से बड़ी मुश्किल आई हैं, पिछले एक साल हो गया है इस विंग को बने हुए स्पोर्ट्स एंड कल्चर के लिए, और ख़ान साहब का विज़न यही है कि हम लोगों ने पाकिस्तान के कोने कोने में से, यानी कि जो मेजर सिटीज़ हैं, सिर्फ मर्दान हो गया, पेशावर हो गया, और सिर्फ ये सिटीज़ नहीं, आपने यूसीज़ के अंदर से जाकर कल्चरल जो टैलेंट है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, वो और स्पोर्ट्स का, अब वो किस तरह करना है, उसके अंदर फेडरेशंस का भी बड़ा हाथ होता है जो कि बड़े मायूस कन बात है हमारे मुल्क में, उसकी वजह से शायद काफ़ी हमारा टैलेंट जो है ख़त्म हो चुका हुआ है, वो फेडरेशंस उनको ऊपर नहीं आने देती सही टैलेंट को, इसी वजह से रिजल्ट आपके सामने है कि जो ओलंपिक्स हॉकी में हॉकी की टीम हमारी जो वर्ल्ड कप 94 में जीता हुआ है वो भी उसने क्वालिफाई तक नहीं किया, और इस तरह बेतहाशा फुटबॉल हमारे मुल्क में बैन हो गई है, और बेतहाशा हमारे मुल्क के साथ जिस तरह इस पिछले स्टेटस को ने सत्यानाशी मचाई है, उन्होंने स्पोर्ट्स एंड कल्चर को भी नहीं छोड़ा। फेडरेशंस का देखें, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुकुम अल्लाह मेरे पास 2 साल हमारे पास हैं हुकूमत के अंदर, जाके हम फिर इलेक्शंस में जाएंगे, उससे पहले पहले तक इंशाल्लाह मुझे फेडरेशंस के साथ और ये वो क्या कर रही हैं और क्या उनके साथ, मैं उसका कोई सरोकार नहीं है मेरा, मुझे इंशाल्लाह अपने विंग पे जो मेरी तंजीम है, जो मेरे ये जितने सारे टाइगर्स खान के जो बैठे हुए हैं, मुझे इन पर भरोसा है, मुझे अल्लाह पर भरोसा है, और इन लोगों ने जब अपने यूसीओ में उतरना है तो उधर से टैलेंट आप लोगों के सामने उभर उभर के आएगा, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बहुत हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, बहुत से और भी जितने आप म्यूजिशंस हैं और तरह तरह के पेंटर्स हैं और जो आप नाम लो, हम सारों के सेगमेंट्स निकाल के हम उन लोगों को पूरा हाईलाइट करके उनको यूसी से लेकर रीजन तक, रीजन्स के बाद इंशाल्लाह नेशनल लेवल पर उनको लेकर आएंगे, और अगर उसके बाद जब वो बंदा खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा कि अगर 100 मीटर्स डैश पाकिस्तान में सबसे तेज़ भागने वाला हम ढूंढ के लेकर आते हैं तो उसको ओलंपिक्स में कैसे नहीं भेजा जाएगा। सर आखिरी सवाल यह है, चूँकि कमीशन का टाइम भी है, सर आप ये बताइए, चूँकि जिला मर्दान में खान में पहला कमीशन हो रहा है तो सूबे के आप सॉरी मुल्क के आप दूसरे जो अजला है उसमें भी आप कमीशन करने जा रहे हैं ताकि पार्टी कार्बन फाल हो सके? मेरी टीम मुझे किसी यूसी में बुलाएगी, मैं वहाँ भी जाऊँगा, सिंपल सी बात है, मुझे अगर यूसी के अंदर कोई इवेंट होगा, कोई चीज़ है, मेरा एक मिशन है ये, मैं ज़रूर पहुँचूँगा वहाँ।